भाई अगर जो आप बैठना चाहते हो और बैठ करके और देखना चाहते हो कार्यक्रम तो चलेगा नहीं, कार्यक्रम को यही बंद कर दिया जाएगा। भाई बैठ जाए, सभी बैठ जाए, भाई साहब पीछे से, भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो हेलो, एक मिनट, घर में टांगेगा, निकल दियो दूसरा भाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ कह रही है। अच्छा यहाँ बतेरी छो रही है, जिन्ना नाचना है। एक किसने है, एक किसने और कोई है? अच्छा एक किसने, आजा बेटा आजा आजा, थोड़ा बैम काट दूं, आजा। देखो जी मेरा तो हो गया काम, मैं सच बता रही हूँ। अगर किसी के भी मन में यो बहम हो कि लड़की को डांसर बनाना है तो मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, बिल्कुल मत बनाना, आगे आपकी मर्जी है। सबको बड़ा शौक चढ़ा रहता है कि सपना बनना सपना बनना है, आसान नहीं है। आप अपने बलबूते कुछ करो, मैं यही चाहती हूँ, पढ़ो लिखो नाम कमाओ। मैं तो एक दिन ये चाहती हूँ कि इस धरती पे से डांसर का वजूद तक खत्म हो जाए, क्योंकि जो जो मैंने बर्दाश्त करा है ना कोई नहीं कर सकता। इस मारी कह रही हूँ बैठ जाओ, सांडो शर्म करो थोड़ी, बैठ जाओ। बैठ जा, कब भी शर्म ना रही हो काले। ये गौशाला का पंडाल है, लेकिन ये गौशाला की कमेटी सबसे ऊपर होके पता नहीं आप लोग जाते होगे क्या क्या बात करते होगे, रागनी गादी डांस देख लिया, बतेरा हो गया यार, इस तो ज्यादा के देखोगे। राम तो मिलना है, राम तो जब मिलोगे जब ऊपर पहुंच जाओगे, अरे इतनी जल्दी जाना नहीं है। बैठ जाओ, इस मारी मारता हूं इसके, बुढ़े आने दुखी करने लग रहे हो, इतनी देर हो गई, ये भी तो बेचारी बैठ के देख रही है आराम से। एक इस काले ने नाक में दम दे रखा मारे तो, बेरड़ा तेरे घराला ने कोई काम ही ना है क्या, छुट्टा छोड़ रखे तू। आजो बच्चों ऊपर से ऊपर उस तरफ से चढ़ के आजो, जो भाई इधर खड़े भाई सब बैठ जाओ, अपने इधर जो खड़े आजो आजो जल्दी आजो, बैठ जाओ भाई, जो सामने खड़े बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। एक दो, आपसे स्पेशल कहनी पड़ेगी, बैठ जाओ। तीन, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। चार पांच छह सात आठ नौ दस, अब ताली बजा दो सारे, अब इस तरफ से भी बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। सच में आप लोग मजाक समझते हो बातों को, इंसान वो ही समझ सकता है जो उसकी, मैं आप मेरी जगह लेके देखो शायद आपको पता चल जाए, मैं आपकी जगह नहीं आ सकती, आप मेरी जगह नहीं आ सकते, इसलिए बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ी थोड़ी गणी कितनी भी शर्म हो बैठ जाओ, तो किसी की तो शर्म कर लो, अपनी माँ की कर लो, अपनी बहन की कर लो, भाई की कर लो, तुमने पूरे खानदान की कसम है अपनी अपनी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। धरती माँ तो प्यारा कुछ हुआ है काके, बैठ जाओ। और भाई प्रदीप मेहंदीपुरिया जी, वो उन्होंने 2100 रुपए हमारी टीम के लिए दिए, मैं जोरदार ताली मारो उनके लिए भी, जोरदार ताली। बहु काले की, इस काले ने देख के भी शर्म नहीं आई। भाई सही में इसकी बहु आ गई ना, इसे गाने पर नाच चाहिए, वो गाना मैं कर नहीं सकती, वरना मेरी बहुत इच्छा है। भगवान करे हर कलाकार ऐसे ही काम करता रहे, चाहे वो हरियाणा का कोई भी कलाकार हो, बस हिट दे और कुछ नहीं चाहिए। वही बात है कि बज जाएगा तो हरियाणा बज जाएगा, वरना जूत बज जाएगा, बजा लो कहीं भी बजे, बस अपना कल्चर बजे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब ताली बजा दो हरियाणवी के हर उस आर्टिस्ट के लिए जो अपना 101% दे रहा है। अरीब लगा दो आख्या का काजल। राम जी, राम जी सुहा जी कौन सा, अब तू चीज ला जवाब लगा दो भाई, डिमांड भी छोरिया की अलग अलग है, तू चीज ला जवाब लगा दो, और कोई डिमांड है? तीन रोज होए मन तड़प तीने, ये बात मैं कुछ ना खाई भाईया की सूजी जांगी दियो दर्शन करा सहेली।
ना खाई खेली और भाई आखी सूजी जांगी दियो दर्शन करा सहेली। क्या बात, के यो इश्क का मर्ज बहुत बुरा होया करे, जिसके लग जा वो सोचा करे हे राम के पटले पड़ गया, और जिसके नहीं लगे वो आशिकी करता घूमे जाए। मतलब ये वो लड्डू है जो खा लो तो भी पछताओगे, अगर ना खाओ तो पछताना ही है, और फिर वारे बड़े बूढ़े कहो अभी भाई खा के पछता लो। बढ़िया, कम से कम की मेरा की मैं तो थ्या हो गए। आइए पहली बात में कैसे क्या कहने लगी क्या बता दिया। आजकल रात ना वो मेरे सपना में भी आन लग गया। कुछ सपने सच होया करे, कुछ सपने झूठ होया करे, आज रात ना मैं भी कहीं आके सपना में दिखूंगी। उल्टा सिस्टम है। अरे वहीं तक पार गिर लिया करो, बाकी आगे नहीं जाना चाहिए, गलत बात है ना। आइए किस प्रकार से दूसरी बात माता सुर कटा दूं। कुछ ना अति क्या मरद मिला ना कोई।
सबूत होया करे। लेकिन एक बेटी ने जब कोई दुख तकलीफ होया करे तो उसने सबसे पहले उसने उसकी माँ ने बेरा पाटया करे कि हाँ बे कि मेरा कि मैं गड़बड़ हो ली है। आई बताने लगी कि जब मेरी माँ ने थोड़ा शक्सा होया और पूछन लग गई तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई और कैसे नहीं दे पाई और के सबसे अच्छी कविता है हमारे हरियाणा की है, क्योंकि कुछ भी लिखा है हमारे कवियों ने वो बिल्कुल एक पर्दे के अंदर लिखा है, जो बात समझ में भी आ जाए और किसी को बुरी भी ना लगे। आइए हमारे हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपनी छाप लगा दी और किस प्रकार से कितनी शिक्षा पद बात बता दी और के लिख दिया के बता दिया। अपने महल के अंदर प्रवेश कर जाता है, वह रानी पिंगला उस दीवान के साथ चौपड़सार खेल रही थी। जब विक्रमा ने रानी पिंगला को चौपड़सार खेलते देखा तो अपने मन मन सोचने लगे, अरे तेरा भाई तो इसने सती मान रहा, अरिया इस सयस के साथ चौपड़सार खेल रही है। सजनो इब देख पिंगला ने भी लिया विक्रमा को और मन में सोचने लगी, हो ना हो राजा भर्तृहरि जाकर सारी बात बतावे। उस विक्रमा को इतना धमका दिया, इतना धमका दिया कि वो विक्रमा बुरा मान के बैठ गया। ये रानी पिंगला उसने मनान लगी, मान्या कोन्या, एक त्रिया चरित्र दिखाया, न्यूबली मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, नी बह नहीं तकरार जड़े, मैं रो रो रुदन मचा दूंगी जजागा घर ते बार जड़े, हो देवर हाथ जोड़ू मान जा, देवर भाभी आ किनू आपस में होया करे, अक मानू कोन्या, अक नहीं मानक ना, न्यूबली बड़ी भाभी ने छोटे देवर का चाहिए प्रण पालना, पति के कहने नाट वीजा, देवर का नहीं टालना, बोल छुपा का बैठ महल में सही नहीं आलना, ऐसा दरखत कौन सा जंगल मजिश कर लगी ओपरी बाढ़ना,
जय मिल जाता ना बैल चालना ना लाया करते आर जले, आर जले तू लावगा तो बुरा कहे संसार जले। फिर भी कोने मान्या अनाड़ीपना कर गया, इब एक लोभ दे दिया देवर मैं तेरी भाभी हूं मान जा तेरा वो काम करा दूंगी। अग भाभी कौन सा? अग श्री मांगे राम ने बुलवा के घरा चिट्ठी लिखवा दूंगी, तड़का जामा अपने पीहर तेरे सारे गुण दिखवा दूंगी, किसे काका ताऊ की मांग कथोरी तेरे मुंह ने फुकवा दूंगी, और आवे बडलिया नौमी के दिन तेरे फेरे फेरवा दूंगी, तेरा नारा घर बसवा दूंगी, जो दुनिया का व्यवहार जले एक देवर हो पूत बराबर भाभी ने एक शहर जले। लेकिन विक्रमा मान्या कौन है? इवरानी पिंगला ने सोची देवर से धमका भी दिया नहीं मान्या, तन कि मैंने कि मैं करना पड़ेगा ना तो राजा भर्तृहरि के जाके सारी बात बताओगा। सजनो रानी पिंगला उस राजा भर्तृहरि के पास चली जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी होगी। राजा भर्तृहरि दारू के नशे में चूर रहते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल पिंगला थी वो तो मर चुकी थी और जो बाद की पिंगला थी वह एक नू मान लो काल्पनिक पिंगला थी। सजनो इब राजा भर्तृहरि शराब के नशे में बैठे, रानी पिंगला नुकन लगी, महाराज हाँ पिंगला किस तरह आई? आपका भाई छोटा विक्रमा? हाँ रानी पिंगला आजकल उसके तेवर ठीक ठाक कौन लागते मने? के कया आजकल उसका चाल चलन ठीक नहीं लग गया? न्यूकल लग गया रे पिंगला, वो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, तू यो झूठा दोष लगाने लग रही, अच्छी बात को ना देवर भाभी का रोला तो जा करे पर तू जी ढाल का दोष लगा मेरा जस्ती को ना अपने भाई की मेर लेके न्यूकल लग गया पिंगला। इस भारत वर्ष के अंदर देवर भाभी की शीशी जोड़ी हुई है, महाराज किसी किसी अपने भाई की मेर लेके गुस्से में भर के एक बात के द्वारा राजा भर्तृहरि उस रानी पिंगला से क्या कहते हैं? आइए दादा मांगेराम ने के लिखा वाला हे रविशकर्मा गोट परी विक्रम भाई को विश्वकर्मा पे घाट पड़ी, विश्वकर्मा पे घाट पड़ी मेरा विक्रम भाई को जग रहे, जो देवर भाभी की लड़ाई होया करे थरी सी लड़ाई कोन्या, मन तेरी तेरी शक्ल देख के तेरा चेहरा देख के तू पड़ ली रानी पिंगला, तो वो नेवा करी महाराज कौन सा पहले नंबर में क्या समझाते वाला जसे चोर चुराई तू बड़ी वा जा पानी मदाबी वो दाबे वा बारे लकड़ जा दाबा कर खराबी सब तरिया ते दे राखी से राजपाट की चाबी हो भाभी कहे महाराज मेरा विश्वास कीजिए
इसकी आजकल गलत निगाह हो रही है। नोकला गर पिंगला, अरे छोटे से ना छोड़ गए, माँ बाप मरे थे और मारा सुपरत करके गए थे। बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है। तू यो झूठा दोष लगाने लग रही ना पिंगला, मेरा जस्ती को ना क्या कहते दूसरे नंबर भला। बालक से की मरगी थी वा पनम देह मेरी, सारी उम्र उलाना देगी जैना मन्या तेरी। जबाई पीट के काट दिया ते या भी डुबा ढेरी, हेरे दो पाटा के बीच बिछाड़ या जाने फसा। और सुन ले पिंगला, महाराज वाह कौन सी बात, जो आदमी सच्चाई बोलेगा ना उसकी जीत होगी हमेशा, और जो झूठ बोलेगा वह झूठ एक बार तो ऊपर ना आ जाएगी पर झूठ फिर दब जाएगी, झूठ साफ हो जाएगी। महाराज मेरा विश्वास कीजिए, नूकल ला गया ना, तू मेरी सुनी क्या कहते तीसरे ने बोला। की ईट धर्म का चुनाया बरज बहन की कोन्या, एक म्यान में दो बरछी सब कह रहने की कोन्या। दबी दबाई बात रहन दिया बार कहन की कोन्या। जाते हैं नुकन लगे पिंगला, सुन ले मेरी बात महाराज, कौन सी बात, इस भारतवर्ष के अंदर कौन कौन देवर भाभी हुए, उनकी किस तरह एक के बात रही, किस तरह एक दूसरे का सम्मान किया, आखिरी कलीमा दादा ने के लिए बोला। श्री मांगे राम कह सुन ले पिंगला, इसी शिविर होया करती बल भादर रुकमण की होली जम ना के तीर होया करती। भीम सैन और द्रौपदी की
मट्ठी खीर होया करती हो लक्ष्मण देवरी सीता बाह पीवा एक तासी कितना करोड़पति बन जा और चोरी कैसा मजा नहीं सरकार ना होते जब सरकार नहीं हो ना इव तो बटुए चुरे चैन टूटे मानस ने मानस चोर ले जा इतना करड़ा काम हो जा क्या बता पहले नंबर बता लोगो गंगा कैसा नीर विष्णु कैसा तीर नहीं से और तिरिया कैसा वजीर नहीं से बदकार ना होते जुए कैसा खेल नहीं से हार ना होते भाईचारा भी होना चाहिए भाईचारे के अंदर एकता होनी चाहिए क्या लिखा दूसरे नंबर भाव लोगों फूल्या फल्या हरे फरास नहीं से
फरास का एक ऐसा पेड़ है फुल्या फल्या फरास नहीं से उस फरास का पेड़ गना तो फूल आंदे ना फल लागते और ना पत्ते आंदे भाई वो सीधा अकड़ा अकड़ा खड़ा रहे यानी कि उस मानस की आलोचना कर दी कवि ने कि जो फरास की डाल मानस वो अकड़ा रहे वो समाज के अंदर एक धब्बा है जो सबसे ज्यादा झुकेगा कौन झुकेगा जिसका फल लागेंगे फुल्या फल्या फरास नहीं से झूठे मानस का विश्वास नहीं से और बोली कैसा मिठास नहीं से जखार ना होते जुए कैसा खेल नहीं से हार ना होते क्या लिखा तीसरे नंबर पर बड़ा हथियार यो है होनी कैसी मार नहीं सोनी सब न लेके जागी होनी कैसी मार नहीं से संतोष की साथ यार नहीं से सबसे बड़ा हथियार ये दो हाथ है हाथ जोड़ लो मानस में मर जाएगा अरे भैया कैसा प्यार नहीं से जब तकरार ना होते जुए कैसा खेल नहीं से हार ना होते आखिरी कली के अंदर कैसे हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि ने क्या लिखा बताओ भाई कुंदन लाल जग में थोड़ा रजीना थोड़ा रजीना लोगो मुश्किल मिलता यो शरीर लखीना शरीर लखीना नंद लाल कहे भाई रागनी राज कैसेट के सौजन्य से आपके बीच में और जिसके सिंगर कलाकार हैं बबली अनजान आशीर्वाद फूलन त्यागी जी जोड़ी करके मांगू बहन मां जाई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई जोड़ी करके मांग बहन मां जाई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई जोड़ी करके मांग बहन मां जाई मेरा रखिए आदर मान
तने जन राख्या बेटे भी मिलन ना रख मने सुन राख्या बनी के मोर बाप बनी के भाई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई इतना लंबा गीत कदे गाया ना इतना भारी बोझ कदे ठाया ना राजधानी में तू मैं पूत जाया ना कदे ला छाती के थूक दूध प्याया भरे जाने।
We'll be right back.
सस्तर ताण कोई नहीं, सच बुझो तो मेरे यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। अगर बात अच्छी लगा करे तो तालियां बजा दे करो, क्योंकि तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। आपकी तालियां कलाकार के अंदर जोश पैदा करती है। हेलो, अब इस रागनी की कोई भी लाइन अच्छी लगे, हमारी वीरांगना भी बैठी है, माता बहनों आपको भी कह रही हूँ, कोई लाइन अच्छी लगे या कोई भी शेर और शायरी अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाते रहना। किस तरह से क्या लिखा इस रागनी के माध्यम से। कलम लहू में भर के प्रेमी श्रोता, वो महाराणा प्रताप अरे पनों में धक्के खाए, यहाँ तक कि घास की रोटी भी खाई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो उधम सिंह जिसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उस डायर को तो मार दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो वीर हकीकत राय जिसने फांसी के फंदे को तो चूम लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। ऐसे ऐसे वीर इस देश में हुए, और हंसते हंसते एक बात कह दी प्रेमी श्रोताओं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। पहली लाइनों के माध्यम से के बताया वाला धर्म पे तनक टह
टहलना पाए सिंह दीवारों में छिनवाए श्रोताओं कि हमारे नौजवानों ने बलिदान दिया अपने देश के लिए, तो बलिदान देने में हमारी माता बहनें भी पीछे नहीं रही, हमारी वीरांगना भी पीछे नहीं रही। ऐसी ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने मर्दों की तरह लड़कर दुश्मन का डट के सामना किया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी पतिवर्ता, ऐसी ऐसी छत्रानियां, ऐसी ऐसी सती स्त्री इस देश में हुई हैं, जिनके कारण इस देश का सर गर्व से ऊंचा है। कुछ दिन पहले की घटना, एक फिल्म रिलीज हुई पद्मावती। किस किसने देखी वो फिल्म, जरा मैं पूछना चाहती हूं आप सभी से, आपने देखी? उस फिल्म के अंदर रानी पद्मावती को नाच करते हुए दिखाया, घूमर गाना था जो। लेकिन प्रेमी श्रोताओं, ना तो किसी इतिहास में पढ़ा और ना ही सुना और ना ही किसी किताब में देखा लिखा हुआ कि कहीं पे वो छत्रानी नाच कर कर गई है। थोड़ी सी कहानी बताती हुई चलती हूँ उस छत्रानी की, और अगर आपको थोड़ी भी कहानी अच्छी लगे उस छत्रानी की, तो उस छत्रानी के लिए तालियां चाहूंगी आप सभी से। बताया कि चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी वो पद्मणी। राणा रतन सिंह का मित्र था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिद करी राणा रतन सिंह से कि यार तू मेरा मित्र है और मैं तेरी पत्नी के दर्शन करना चाहता हूँ, तेरी पत्नी का चेहरा देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने कह दिया कि यार तू मेरा मित्र है, लेकिन हमारे घराने में पतिव्रता औरतें होती हैं। पतिव्रता स्त्री ना तो किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा दिखाना पसंद करती और ना ही किसी गैर पुरुष का चेहरा देखना पसंद करती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे यकीन है मेरी पत्नी तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। जिद करने लगा अलाउद्दीन खिलजी। राणा रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मनी के पास पहुंचे। पद्मनी को सारा हवाला बताया कि अलाउद्दीन खिलजी मेरा मित्र है और तेरे दर्शन करना चाहता है। तो रानी ने यह कहा कि महाराज अगर आप कह रहे हो तो मैं अपना चेहरा उसको दिखा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ अपना चेहरा दिखाऊंगी। राजा पूछते हैं कि क्या शर्त है महारानी तेरी? तो रानी ने कहा कि शर्त मेरी यह होगी महाराज कि उस खिलजी को मैं अपना चेहरा सामने से नहीं दिखाऊंगी, मैं शीशे के सामने बैठूंगी और वह खिलजी मेरा चेहरा पीछे से आकर देख लेगा। ऐसा ही हुआ। राणा रतन सिंह ने पत्नी का कहना मानकर शीशे के सामने बैठा दिया उस पद्मनी को, और खिलजी ने पीछे से आकर चेहरा देखा, और जब खिलजी ने पद्मनी का चेहरा देखा तो चक्कर खा के गिर गया प्रेमी श्रोताओं कि ये तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। दिल्ली पहुंचा। उस समय में दिल्ली में राज था अलाउद्दीन खिलजी का। राणा रतन सिंह को चिट्ठी लिखवा कर बुलाया कि तेने मेरी बहुत अच्छी खातेदारी करी है, अब मैं तेरी खातेदारी करना चाहता हूँ। धोखे से बुला लिया राणा रतन सिंह को, बंदी बनाकर कैद में डाल दिया और पद्मनी के पास चिट्ठी लिखवा दी कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले, और अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो मेरी बेगम बन के मेरे यहाँ पे रहे। छत्रानी थी, खून खोल गया प्रेमी श्रोताओं, यूं कहने लगी मैं युद्ध करूंगी, मैं छुड़ा के लाऊंगी अपने
अपने पति को, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचती है कि तू अकेली है तो औरत की जान तेरी, किस किस से युद्ध करेगी, किस किस से लड़ाई करेगी। फिर अपने पहनजे बादल के पास पहुंची, बादल को सारी बातों का हवाला बताया। बादल अपने चाचा को लेकर लड़ने के लिए गया राणा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए, लेकिन प्रेमी श्रोताओं वहां पे दृश्य कुछ और ही हो जाता है। बादल को भी धोखे से मार दिया गया, राणा रतन सिंह को भी धोखे से मार दिया गया, सारी सेना सारी फौज मारी जाती है। फिर चिट्ठी लिखवाई खिलजी ने कि पद्मिनी तेरा हिमाती और ना ही तेरा कोई साथी बचा, तैयार रहना, ये तेरा आशिक खिलजी तुझे लेने के लिए आ रहा है। इतनी बात सुनी तो छत्रानी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई हिमाती और साथी नहीं बचेगा। प्रेमी श्रोता 12 कोस के अंदर हवन कुंड खुदवाती है वो छत्रानी, और अब उसमें अग्नि प्रकट कर अपनी संगी सहेलियों को लेकर उस हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग देती है। प्रेमी श्रोताओं, एक तरफ पद्मिनी की चिता जल रही है, दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी खुश होता आ रहा है कि आज तो पद्मिनी मेरी हो जाएगी। दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने जब उसकी पद्मिनी की चिता को जलते देखा तो रोने लगी। बुढ़िया को जोर से लात मारता है अलाउद्दीन खिलजी और कहता है कि उठ बुढ़िया, कहाँ है मेरी पद्मिनी, बता मुझे। कहते उससे जाके कि उसका आशिक आया है, जल्दी तैयार हो, समय नहीं है मेरे पास। रोती रोती बुढ़िया ने हवन कुंड की तरफ इशारा कर दिया कि जा, वहां है तेरी पद्मिनी, जाके देख ले। हवन कुंड में जाके देखा तो उस छत्रानी की चिता जल रही थी। प्रेमी श्रोता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पद्मिनी ये तूने अच्छा नहीं किया, अरे तेरे लिए मैंने किस किस को नहीं मारा, क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू मुझे छोड़कर चली गई, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर बुढ़िया के पास पहुंचा कि बुढ़िया पद्मिनी तो मारी गई, लेकिन मेरे प्यार में कुछ तो संदेशा छोड़कर गई होगी, कुछ तो कहकर गई होगी कि वो मुझसे प्यार करती थी या नहीं। तो रोती रोती बुढ़िया कहती है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि पद्मिनी तेरे लिए क्या कहकर गई है। तो सामने दीवार है, उस दीवार पे जाके पढ़, वो छत्रानी अपने हाथों से तेरे लिए 2 लाइनें लिख कर गई है। उस दीवार पे क्या लिख कर गई थी वो छत्रानी, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगी। उस दीवार पे लिखा हुआ था प्रेमी श्रोताओ कि तू 1,00,000 कोशिश कर ले खिलजी, कि तू 1,00,000 कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता, कि तू 1,00,000 कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छत्रानी, लेकिन आज फिल्मों के अंदर उसको नचनिया बनाया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रेमी श्रोताओं किस तरह से क्या बताया दूसरी लाइनों में, लक्ष्मी बाई चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई, भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, खाई हो रहे थे बलिदान देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई, फिर फेर हिंद में चाल पड़े रे, फेर हिंद में चाल पड़े रे, कपड़े बांध लिया सिर के, मैं भर के।
लिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। हर इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, हर बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, हर देश की निंद्रा खोली। कहा कि लाल लाल तो सब के हैं, पर लाल तो थे वो लाल, और लाल लहू से कर गए दुश्मन का सिर लाल। अरे वो थे असली लाल जो इस देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे गए। नहीं अपने बारे में सोचा, नहीं अपने परिवार के बारे में सोचा, सोचा तो सिर्फ अपनी भारत माता के बारे में सोचा। मैंने आप सभी से कहा था कि एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस देश से प्यार करता है। आप सभी ने हाथ खड़े किए थे, लेकिन प्रेमी श्रोताओं बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम सभी अपने देश को बड़े प्यार करते हैं और अपनी भारत माँ को माँ मानते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस देश को हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसी देश में कुछ ऐसे गद्दार रहते हैं जो भरे संसद के अंदर खड़े होकर ये कह देते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता। हैदराबाद का सांसद है वो ओबीसी, भरे संसद में कह दिया कि चाहे गर्दन पर छुरी रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान इस देश की धरती पर रहता हो, जो इंसान इस देश का नमक खाता हो, और फिर भी संसद के अंदर खड़ा होकर ये कहे कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? आवाज नहीं आई। कैसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि सुनो बेसी, तूने तो कह दिया कि तू भारत माता की जय नहीं बोलेगा, लेकिन जो भारत माता के लाल है ना, अब उनका ऐलान सुन। हमारे हिंदुस्तानियों ने खुला चैलेंज किया, खुला ऐलान किया, और सुन क्या कहा कि तूने कहा सुना हमने, कि तूने कहा सुना हमने, जरा मन टटोल के सुन ले तू, कि तूने कहा सुना हमने, जरा मन टटोल के सुन ले तू, सुन सुन ओ गद्दार ओबेसी, कान खोल के सुन ले तू। रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की? तालियां अभी नहीं, तालियां दो लाइनों के बाद। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की? जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा, और तू तो क्या ओबेसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। तू नहीं जानता हम हिंदुस्तानी हैं? जिस दिन अपनी पे आ गए ना, तो तू तो क्या, तेरा अप्पा, तेरे बच्चे, तेरा पूरा कुनबा बंदे मातरम ही रटेगा, और कुछ नजर नहीं आएगा। और इस मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े,
तियारो माँ के बंधन तोड़े तेरे माँ के बंधन तोड़े जी मर्जी तुम्हारी है। राजा ने नाई ब्राह्मणों को भेजा कि जाओ मेरी बेटी के लायक कोई गुणनशील वर तलाश करके आओ। नाई ब्राह्मण सावित्री के लिए वर देखने के लिए चल दिया दुनिया में डोले, सावित्री के लायक कोई वर पसंद नहीं आया, वो लौट के खाली हाथ वापस आ गए। राजा को बताया कि महाराज हमें सावित्री के लायक कोई वर पसंद नहीं आया। राजा ने अपनी बेटी बुलाई और बेटी से कहा कि हे बेटी जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, अरे अपना वर तलाश अपने आप कर लो और हमें बता दो, हम तुम्हारी उसी से शादी कर देंगे। राजा की बेटी ने चार सखियों को अपने साथ में लिया और रथ सजवाया और रथ में बैठ करके अपना वर टोहने के लिए चल देती। दुनिया में डोली, बड़े बड़े देश नगर शहरों में डोली, मन का मेली पसंद नहीं आया। जब निराश हो गई, बियाबान बनखंड से जब गुजर रही तो उस बियाबान बनखंड में सत्यवान नाम का लकड़ा रहता, लकड़ी काट करके बाजार में बेचता और अपने माता पिता की सेवा करता और अपना गुजारा कर रहा। लकड़हारे को पेड़ पर लकड़ी काटते हुए देखा सावित्री ने, सखियों से बोली कि सखी तुम ही ठहरो और मैं अभी आई। वो पेड़ के नीचे आके और सत्यवान को आवाज दे करके बुलाती है और क्या कहती है सावित्री और क्या कहता है सत्यवान, आइए छोटी सी रागणी, अरे हो सकता है आपकी सुनी सुनाई रागणी हो, हम दोनों कलाकार आपके बीच में सुनेंगे इस रागणी को, कैसे लिख दिया और क्या बताएं। हेलो 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 राजकुमारी मुझे बोल रही है। हाँ क्या बात? बात ये है कि एक बार पेड़ से नीचे आओ। क्यों परेशान है, क्यों चिल्लाओ है? पेड़ से नीचे आओ, तुमसे बात करनी है कुछ। पेड़ से नीचे आओ? हाँ क्यों? बात करनी है। बात तो ऊपर से भी हो सकती है, ये सुन लेंगे। सुनने वाला तो नीचे से भी सुनेगा। लकड़हारे हाँ। पेड़ पे ऊपर रहोगे तो मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। पेड़ पे ऊपर बात करेगी तो नीचे वालों को नहीं सुनेगा और नीचे बात करेगी तो सबको सुनेगा। पेड़ पे ऊपर कैसे बात करूं मैं? ऊपर आ जा, मेरे से चढ़ना नहीं आता पेड़ पे। मेरी भी तो, मैं रोजाना चढ़ूं। तुझसे तो चढ़ना आता है, मुझसे चढ़ना नहीं आता पेड़ पे। तो दादा तो सीख ले चढ़ना, दो दिन में सिखा देगा। दादा मुझे पेड़ पे चढ़ाएगा, अगर गलती से मैं दादा के ऊपर गिर गई ना दादा, तब जाएगा बेचारा नीचे। तो पेड़ की बात करें, दादा लाठी पे चढ़ना सिखाते दो दिन में। मुंह देख क्या स्वभाव है, जीभ भी ऐसे डोल रही है जैसे रजाई में बालक खेल रहा हूं। ऐसा है लकड़हारे, कैसा है? पेड़ से नीचे आइए, एक बात का जवाब दे जब नीचे आऊं। पूछिए। की तो उम्र की जवान है तेरी चंद्रमा शीशान है, की तो उम्र की जवान है तेरी चंद्रमा शीशान है, बड़ी प्यारी मीठी सी मुस्कान है, लेकिन इस उम्र में अकेले इस बियाबान में हांडन का क्या काम है? इस बियाबान में हांडन का काम ये है। हाँ। पेड़ से नीचे आओगे जब भी तो बताऊंगी। बड़ी मुश्किल, ऊपर चढ़ आऊंगी तो नीचे उतार ले।
तो तुम पेड़ से नीचे नहीं आओगे? नहीं, उबरते ही जवाब दे दूंगा तेरी बात का। तो इस बियाबान जंगल में हंडन का ये काम है क्या? तुम्हारी शादी हो गई? कैसे कोई शादी करवाने का ठेको ले रही है? ले भी सकती हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? देख लगा तो छोरी थोड़ी पड़ गया। मैं ये पूछ रही हूँ तुम्हारी शादी हो गई? शादी हो गई, और ना हुई हो तो तुझे इस बात से क्या लेना मुझे? नहीं, हो गई हो तो बात अलग है। मुझे पहले ये बताओ कि बियाबान में हांडन का तुम्हारा काम क्या है? काम ही बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई? ना हुई। अब बताऊंगी काम। हाँ, काम क्या है? इस बियाबान जंगल में हांडन का मेरा ये काम है लकड़हारे, हाँ, कि अब तक मेरी जोड़ी का मनपसंद वर मुझे नहीं मिला। जोड़ी का मनपसंद वर नहीं मिला? यानी कि मेरी शादी नहीं हुई। तेरी भी शादी नहीं हुई और शादी तुम्हारी भी नहीं हुई। ये तो कसर रहेगी कि तेरी शादी अब तक ना हुई। ना तुम्हारी हुई ना मेरी हुई। अब तक तो शादी भी हो जानी चाहिए थी तेरी, और ऐसी फौजी भी होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब करेंगे फौज। नू बता, शादी तेरी भी ना हुई और शादी मेरी भी ना हुई, फिर शादी करूंगी तेरे ते? मेरे ते? हाँ, मेरे ते ब्याह करेगी तेरे ते? मेरे तो बढ़िया, तू दादा दे कर ले तो सुखी रहेगी। ना ना लकड़ हरे, मेरे तो ज्यादा आराम तो तने दादा दे देगा। और तुझे शादी करनी है तो बड़े बड़े शहरों में जा, बड़े बड़े गांवों में जा, बड़े बड़े कस्बों में जा, वहां तेरे मन का मेल ही मिलेगा। तू रूप से लगती है कि कोई बड़े घराने की बेटी है, राजकुमारी है, कोई राजकुमार देख। मेरे लिए तो तुम ही राजकुमार हो। बावड़ी ना होया करें, कहीं और जाके देख। नहीं, कहाँ कहाँ डोली तू? सारे में डोली, सारे में जेवरते टप्पल होते हुए पता नो जहानगढ़ और भी गांव पड़े बीच में। अच्छा। और जब आके सिमरोठी में आई हूँ। हाँ, वैना भी गई? वैना तो मैं पिछले साल गई। देख बावड़ी, दिनेश जी ते पहले ही फोन करती तो तुझे इतने धक्के खाने की जरूरत ही ना थी। सीधी अच्छा। सीधी सिमरोटी में आती, छोरा ले एक की जगह दो ले। तब सिमरोटी में आई हूँ, जब ही तो मुझे तुम पसंद आए हो। और कैसा भी ले, लेके 5 साल तक, 70 साल, 80 साल तक का ले। 80-70 साल के का क्या करूंगी मैं? क्यों, कमी के? ओल्ड इज गोल्ड। मुझे तुम पसंद हो। आदमी की जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही तजुर्बा बढ़ता है। रुक जा तजुर्बेदार, मेरी बात सुन ले, सुन ले मेरी बात जरा गौर से। बात भी कहेगी? हाँ कहूंगी। तो फिर मारी भी सुन ले। सुनाओ। कह अपनी बात। पहले अपनी बात कहूं? पहले अपनी कर फिर मारी सुन। सुनिए। सुबह से ये टाइम
नाश्ता पीछे तैयार दरिया खूब खार खूब पी है बासी में कौन खावेगा हैं ताजे खावेंगे ताजे ताजे तेरा मेरा ब्याह होगा दावत मारेंगे अब तो हाँ हाँ ताजे खावेगी बिल्कुल हाँ खाली जो बात से मिली है वही बहुत ना बाती लेके आ रहा है हाँ क्या अपनी बात लट्टू आहा, आहा, ये बात है छोरे ओ छोरे तेरे मिलन की बात बात हनी हान होली मने क्यों जाल गिरना रिजल गिरना चाहवे से यूं कत्ती जाने होली मने आसादी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कान होली मने एक शादी बिना री शादी बिना मलंग हांडन की पूरे बाण होली मने शादी बिना मलंग हांडन की पूरे बाण होली मने तेरा क्यों कर होगा भला बता दे ओ क्यों कर होगा भला बता इस मौके पे ना टड़ियाले चने कितने देखूं चने कितने देखो रोज तेरे किसे खतरों के राधने आरे देखो ऐसे तेरे में चली जा हम लकड़ी का डरे आरे साधारण स्त्री है या कोई कोई मायावी है साधारण ना कहते बियाबान जंगल में कोई भोतनी डंकनी पिशाचनी हो वेश बदल के आ रही हो अगर तुझे कम दिखाई देता हो तो लक्कड़ आ रहे तू दादा की नजरों से देख सकता है मैं साधारण स्त्री हूँ साधारण स्त्री है हाँ तूने मुझे पेड़ पर लकड़ी काटते हुए देखा देखा सवाल किया कि नीचे आइए फिर सवाल किया कि शादी हो गई या ना हुई मैंने कहा ना हुई जब तूने सवाल किया कि शादी तुमसे करूंगी तुमसे करूंगी ना मेरा नाम पूछा ना काम पूछा ना मेरा काम पूछा ना तूने अपना नाम बताया ना काम बताया एकदम से प्रस्ताव रख दिया कि शादी करूंगी तेरे से तुमसे करूंगी अरे शादी करने से पहले कम से कम यूं तो पता होना चाहिए क्या कि कौन सी कंपनी का ब्रांड है मतलब अरे शादी करने से पहले बायोडाटा तो होना चाहिए कौन सी कंपनी में बना है अच्छा मेरा पता पूछना चाहते हो तेरा पता पूछना चाहता हूँ तुमने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं तो मैं पूछता हूँ और तू बता पूछिए सुनिए मेरी बात कौन करे की कौन करे की कौन करे की रहने आली कौन नगर घर का मगध देश में रहा करो
सावित्री से नाम मेरा सबिया पानी सबिया बन मैं हंडन काके सावित्री से काम तेरा मन जोड़ी कावर मिलिया नहीं न्यू छुट गया ऐसा राम मेरा मेरा जोड़ी कावर मिलिया नहीं न्यू छुट गया ऐसा राम मेरा त्रिया विस्की बेल कहे से मरिया करें चट्टने वाले लेकिन हम ऐसे नहीं है लकड़हारे तुम कैसे हो हम ऐसे हैं कैसे हो हम असिकाले 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 नाग जहर कंदरारे पटने वाले जो हो वैसे तेरे चली जा हम लकड़ी काटने वाले दिखाई तेरी एक दिन आओगी दो दिन आओगी जिंदगी बड़ी लंबी है या पूरी जिंदगी मुंह दिखाई आओगा जो पहली बार मुंह देखेगा उसको मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी चाहे वो पूरी जिंदगी में देखे या अच्छा पहली बार जो देखेगा देखे। पहली बार देखेगा उसे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी हाँ और दूसरी बार देखेगा उसको भी मुंह दिखाई देनी पड़ेगी और फिर तीसरी बार में उसको भी मुंह दिखाई देनी पड़ेगी और चौथी बार में फिर नहीं दादा तो सबसे आगे बैठा है और उठने को हो रहा है मैं देखूंगा सबसे पहले मुंह यानी मेरा पाटिया की मगध देश के रहने वाली महाराजा सोती की बेटी सावित्री तुम हो हाँ जी नाम तो बहुत सुने लेकिन दर्शन आज करे हैं लेकिन सावित्री इतने बड़े राजघराने की इतने बड़े राजा की बेटी होकर के ये छोटी सोच तेरी छोटी सोच और छोटी सोच कैसे अरे मुझे जैसे निर्धन लकड़हारे को तो बार बार प्रेस कर रही है कि शादी करूंगी तेरे से करूंगी गलत सोच है तुम्हारी नहीं किसी राजा का लड़का देख ऊंचे घराने का लड़का देख ये किसने कहा कि एक राजा की लड़की गरीब निर्धन लकड़हारे से शादी नहीं कर सकती अरे शादी कर सकती है कम से कम उसका मेल तो होना चाहिए नहीं मेल है मेल है मेरे पास सब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आराम नहीं है नहीं चाहिए सब परियां का टोटा कोई बात नहीं टोटे में रह लूंगी लेकिन ब्याह करूंगी तुम्हारी गैल अच्छा हाँ अपनी बात कर मैं समझाऊं कि क्या टोटा है मेरे पास सुनिए सुना लोटे में राजपाट दक राजपाट आनंद छोड़ के
के फायदा दुखी होते हैं। एक काम और करूंगी ब्याह होने के बाद। ये करेगी तेरी गैल लाकड़ी काटूंगी तू सात नफे और टोटे में। ओई पतली ही कमर है या पतली ही कमर है? ओके पतली कमर थोड़ी है, मीडियम साइज है मेरी कमर का। कमर तो पतली कोने यूं समझो कि 20x20 का कमरा है। बना रखी है मोटी खा खा खा। तेरी मोटी कमर है या मोटी कमर है जरा वे आज जागी। हेलो मोटी कमर में जबर आता देखा तेने कभी? जरब तो मोटी में भी आ जा पतली में भी आ जा। मोटी कमर में नहीं आएगा क्यों? और इसीलिए मजबूत बनाई मैंने ये कमर। तन्ने बनाई? हाँ। कमर तो बनाने वाले ने बनाई, तन्ने के बनाई। मोटी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे परोटे ढोने पड़ेंगे। इस बात का ज्ञान को नहीं कि कमर किसने बनाई? तेरी ही पतली कुमारी पतली ही कमर जरा वे आज जागी। जाता बजन भरो ते मर तेरी पतली ही कमर जरा वे आज जागी। जाता बजन भरो ते मैं पर दुखी पर वह नहीं वीर ने ओ दुखी पर वह नहीं वीर ने मेरे बाल रंग छटनिया रे। हमें अपने आप गरीब बता किसे किसके दुखे बांटने आए। के कोई सेटे में चली जा हम रगड़ी का डरे आए। सावित्री ना माने कति नहीं मानू फिर कहूँ आती जोड़ो मेरे दबे मत को। शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी बिल्कुल भी। बिल्कुल अटल फैसला है। अटल फैसला है। शादी मेरे साथ करेगी तो मेरी शर्त सुन ले। शर्त? हाँ। कौन सी शर्त? शर्त मेरी एक नहीं है, शर्त भी कई है। कौन कौन सी शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त यह है कि तू राजा की बेटी है। हाँ। मैं इधर लकड़ा रहा हूँ। हाँ। तू राजा की बेटी है, बड़े बड़े महलों में रहती है, मेरे पास महल मकान नहीं है, बियाबान जंगल में टूटी सी झोंपड़ी में रहना पड़ेगा। रह लूंगी। सर्दी में सर्दी लगेगी कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में तपेगी कोई दिक्कत नहीं। चौमासे में टपकेगी। क्या झोपड़ी सब मंजूर है मुझे। जाड़े में सर्दी में मरेगी, गर्मी में तपेगी और चौमासे में टपकेगी झोपड़ी। मंजूर है? मंजूर। उस राजा की बेटी है, तरह तरह के भोजन खाती होगी, सट मेवा सट्रेस भोजन करती होगी, सत पकवान बना के बने बनाए मिलते होंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रोजाना का कमाना, रोजाना का खाना, रूखा सूखा खाना पड़ेगा। अरे भूखी भी रह लूंगी तेरे लिए तो मैं, पर ब्याह की तो हाँ कर। राजा की बेटी बड़े बड़े मखमल के बिस्तर पर सोती होगी, बियाबान जंगल में कोई बिस्तर नहीं है, बियाबान जंगल में ये रेत जमीन में आसन लगा के सोना पड़ेगा। मंजूर है। राजा की बेटी है, मेरी सेवा करिए ना करिए, मेरे दो अंधे माता पिता हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अपने सास ससुर की भी सेवा करूंगी और स्वामी तुम्हारी भी करूंगी। मंजूर है। मेरी तो बेशक मत ना करिए, बाकी उनकी कर दी है। कर दूंगी। राजा की बेटी है, तरह तरह के वस्त्र पहनती है, तरह तरह के आभूषण पहनती है। मेरे पास आभूषण की तो बहुत बड़ी बात, मेरे पास बियाबान जंगल में फटे टूटे कपड़े मिलेंगे, वो पहनने पड़ेंगे। पहन लूंगी। और फटे टूटे भी वक्त में मिले कहे तो ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम रखोगे ऐसे रहने के लिए तैयार हूँ, पर शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। हाँ। ये अटल फैसला है। बियाबान जंगल में कपड़े ना मिले तो केले के पत्ते भी लपेटने पड़ सके। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। सारी शर्त मंजूर है। आजकल फैशन है कुछ भी पहनो। फिर तो शादी हो ही जाएगी, दो चार काम बचे हैं, एक दो तो मैं भी करूंगा। कह अपनी बात, लेकिन इन बातों ने कह करके लकड़हारे दिल जीत लिया मेरा। हम प्यार
छुप गए सारे राजा रे, क्या बात हो गई, उन्होंने काजल लगाया, इनकी रात हो गई, उन्होंने काजल लगाया, इनकी रात हो गई। शादी बिना गाबरू छोरे पूत लुंगाड़े हुया करे, घरवासे में कुटुंब फैल जा, गने पवाले हुया करे, जिस घर में बालक वीर नहीं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बालक, देख, जिस घर में बालक वीर नहीं, जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के माड़े हुया करे, जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के माड़े हुया करे। दुनिया एक याद जगत में लाखों हो आतने आड़े, रुखो ऐसे टेम चली जा, हम लकड़ी का डरे आड़े, उतर पेड़ ते तले एक बार दिल मेरा डटने आड़े, रुखो ऐसे टेम चली जा, हम लकड़ी का डरे आड़े, रुखो ऐसे टेम चली जा, हम लकड़ी का डरे आड़े।